मोदी के दौरे से जुड़ी हुई इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, 5 अक्टूबर को मुख्यमंत्री गहलोत के गृह जिले में गरजेंगे मोदी। जोधपुर में प्रधानमंत्री मोदी एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह जिला है जोधपुर। आपको बता दें, मोदी के इस सभा के बाद प्रदेश में आचार संहिता लग सकती है। इससे पहले मोदी 2 अक्टूबर को चित्तौड़गढ़ के सांवलिया में जनसभा करेंगे, सांवलिया सेठ के दरबार में हाजिरी भी लगाएंगे। तो 5 अक्टूबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी जनसभा और चुनावी हुकार यहां से प्रधानमंत्री भरने वाले हैं। इससे पहले 2 अक्टूबर को सांवलिया सेठ मंदिर के दर्शन करेंगे और यहां पर भी एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं जोधपुर से हमारे संवाददाता जितेंद्र डूडी। जितेंद्र, प्रधानमंत्री का राजस्थान दौरा और खास तौर पर गृह जिला मुख्यमंत्री का, जहां पर वो पहुंचने वाले हैं 5 अक्टूबर को और एक बड़ी जनसभा को संबोधित भी करेंगे, क्या कुछ अपडेट है पूरे कार्यक्रम को लेकर? जी बिल्कुल सौरभ, बताना चाहूंगा कि 5 तारीख को प्रधानमंत्री जोधपुर पहुंच रहे हैं। जोधपुर बरकतुल्ला खान स्टेडियम में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं इस दौरान करोड़ों के विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे, जिसमें जो आकड़िया चौराहे पावनों की आकड़िया चौराहे तक 1700 करोड़ रुपए की जो लागत से बनने वाला एलिवेटेड रोड है उसका जो है शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा 307 करोड़ का जोधपुर एयरपोर्ट का नया टर्मिनल भवन है उसका भी शिलान्यास कर सकते हैं प्रधानमंत्री। इसके अलावा 425 करोड़ की लागत से बनने वाला जोधपुर रेलवे स्टेशन का नया टर्मिनल बिल्डिंग है उसका भी शिलान्यास जो है प्रधानमंत्री उस दिन कर सकते हैं। इसके अलावा 430 करोड़ की लागत से एम्स का जो नया ट्रमो सेंटर बनने वाला है उसका शिलान्यास जो है प्रधानमंत्री करेंगे। तकरीबन मतलब करोड़ों का विकास कार्यों के शिलान्यास भी करेंगे, साथ में जो कार्यकर्ताओं में है क्योंकि आगामी चुनाव है उसको लेकर के जान फूकेंगे। जी, और बीजेपी की अभी इस समय क्या कुछ तैयारी है प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर और कितने लोगों की संभावना जताई जा रही है जो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं? देखिए, बीजेपी पूरी अलर्ट मोड पे आ चुकी है, लगातार जो है सभा स्थल से लेकर तैयारियों में लगी हुई है। इसके अलावा जो कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के करना है, उनकी नए जिम्मेदारियां देना, क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा है और एक बीजेपी शुरू से ही रही है कि अपने कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारी देती है और उसी जिम्मेदारी के तहत कार्य करती है। तो इसको लेकर पार्टी के जो तमाम नेता और कार्यकर्ता है जुटे हुए हैं। इसके अलावा इस सभा के अंदर, क्योंकि जोधपुर संभाग की ये सभा हो सकती है, तो संभाग स्तर के जो कार्यकर्ता है वहां पहुंचेंगे। तकरीबन 3 से 3.5 लाख लोगों के पहुंचने की संभावना जो है भारतीय जनता पार्टी जता रही है। जी जितेंद्र, ऐसे में अगर बात की जाए प्रमुख चेहरे की, क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री आते हैं तो उनकी अगुवाई के लिए कोई ना कोई प्रमुख चेहरा वहां पर मौजूद होता है, जोधपुर की बात करें तो यहां पर कौन संभाल रहा है पूरे इस कार्यक्रम को? देखिए, यहां पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है जो पूरे सभा स्थल को लेकर और साथ ही प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसके अलावा अभी कोई बड़ा चेहरा नजर नहीं आया, क्योंकि कल ही जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये सूचना दी गई है कि प्रधानमंत्री का दौरा 5 तारीख को हो रहा है, तो इसको लेकर के अभी फिलहाल कोई बड़ा चेहरा सामने नहीं आया। लेकिन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से आते हैं, जोधपुर के होने के नाते वो इस तमाम दौरे को लेकर जो है तैयारियों में जुटे हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि आगामी 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जोधपुर मुख्यमंत्री के गृह जिले में होंगे, जहां से वो गरजेंगे, चुनावी शंखनाद करेंगे। साथ ही इससे पहले 2 अक्टूबर को चित्तौड़गढ़ के सांवलिया सेठ मंदिर में दर्शन करेंगे और वहां पर भी एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे।